प्रख्यात समाजसेवी भाऊ साहब बुसकुटे की पुण्य स्मृति में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी तहसील के गांव गोविंद नगर में स्थित भाऊ साहब बुसकुटे स्मृति लोक न्यास गत 26 वर्षों से इस अंचल में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ग्रामीणों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह लोक न्यास विभिन्न प्रकल्पों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन भाऊ साहब बुसकुटे सेवा न्यास को समाज सेवा के क्षेत्र में आधारभूत एवं सार्थक प्रयत्नों और उसके भौतिक परिणामों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2013 से सादर विभूषित करता है। रविवार को गोविंद नगर स्थित भाऊ साहब बुसकुटे स्मृति लोक न्यास के पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि पुराने कार्यकर्ताओं का ये सम्मान भोपाल के रविंद्र भवन में भाऊ साहब बुसकुटे स्मृति लोक न्यास को नानाजी देशमुख सम्मान मिलने के बाद किया गया। न्यास द्वारा सम्मानित किए जाने पर उपस्थित सभी पुराने कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी थी, साथ ही एक गर्व का भाव भी था। वहीं इस कार्यक्रम में पुराने कार्यकर्ता न्यास के फाउंडर मेंबर हरि बिसानी, महेश सोनी, टीकाराम गढ़वाल, रमेश राय, शेर सिंह रघुवंशी, हल्के भैया विश्वकर्मा का सम्मान किया गया। अभी कुछ दिनों पूर्व 26 जनवरी 2022 को भोपाल में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में गोविंद नगर भाऊ साहब बुसकुटे स्मृति लोक न्यास को नानाजी देशमुख सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान न्यास अध्यक्ष डॉक्टर अतुल सेठा को 2 लाख रुपए के चेक के साथ राज्यपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोक निर्माण मंत्री, संस्कृति विभाग प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग संचालक ने दिया। भाऊ साहब बुसकुटे स्मृति लोक न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर जेठा के साथ न्याय के CEO विकास मोहरीर, ग्रामीण गतिविधि प्रमुख ओमकार राजपूत उपस्थित रहे। करता है भाऊ साहब बुसकुटे सेवा न्यास होशंगाबाद वर्ष 2013 प्रशस्ति वाचन किया संचालक संस्कृति ने और सम्मान ग्रहण कर रहे हैं इस सेवा न्यास की प्रतिनिधि। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। 2 लाख रुपए की सम्मान निधि इस सम्मान के तहत और सम्मान पट्टी का शॉल श्रीपल भेंट कर संस्था को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव। इसके उपरांत वर्ष 2014 के लिए उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी का चयन किया गया है। प्रशस्ति वाचन। समग्र ग्रामीण विकास के लिए समर्पित उत्तरांचल उत्थान परिषद देश की एक शीर्षस्थ संस्था है जो उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है। उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा ग्राम विकास की संकल्पना में इस अंचल के मुख्य रूप से सीढ़ीदार खेतों, सड़कों, संपूर्ण मार्गों, पुलों, नहरों, विद्यालयों, घराट और भव्य मंदिरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। परिषद ने उत्तराखंड के 25 सांगठनिक जनपदों को अपनी गतिविधियों का आधार बनाया है, जिसमें ग्रामोत्थान प्रकल्प के अंतर्गत न्यूनतम एक गाँव को आदर्श के रूप में चुना है। मध्य प्रदेश शासन उत्तरांचल विकास परिषद को सामाजिक समरसता एवं जनजागृति की उत्तरदायित्वपूर्ण पहल के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2014 से सादर विभूषित करता है। जोरदार तालियों से आप उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी। जैसा कि हम आपको पूर्व में सूचित कर चुके हैं, 2 लाख रुपए की सम्मान निधि, सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफल भेंट कर नानाजी देशमुख स्मृति राष्ट्रीय सम्मान से संस्था और व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद आचार्य प्रदीप कौशिक, झारखंड, वर्ष 2015, प्रशस्ति वाचन। आचार्य प्रदीप कौशिक जी का जन्म 6 मई 1969 को बिहार में बेगूसराय जिले के तेघड़ा गांव में हुआ है। आप पेशे से कथावाचक हैं और इन दिनों भी देश भर में सुंदरकांड की कथा का वाचन करते हैं। भक्तिकाल के मूर्धन्य कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में पंचम सोपान स्वरूप सुंदरकांड की रचना की गई थी और आचार्य प्रदीप इस काव्य खंड को सनातन धर्म को परिभाषित